एक के बाद एक त्यौहार आने को हैं और साथ ही साथ मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा और रोज़ रोज़ नाश्ते के लिए एक नई डिश। तो सोचिए मत, आज के मेहमानों के लिए बनाइए ऊपर से करारे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट पालक मूंग दाल वड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीना टिप्स एंड ट्रिक्स में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं पालक मूंग दाल वड़ा। वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी भीगी हुई मूंग की दाल ली है, जिसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसे 1-2 बार पानी से अच्छे से धो लें और इसका सारा पानी निकाल लें। अब लें 1 मिक्सी का जार, सारी दाल को मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लें और डालें 4-5 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ज़्यादा भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को बढ़िया से पीस लें, पानी जितना हो सके कम ही यूज़ करें। दाल को पीसने में हमने केवल 1 या 2 चम्मच पानी का ही यूज़ किया है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1 चम्मच सूजी डालें ताकि हमारे वड़े ऊपर से अच्छे से करारे बने, और अगर दाल में ज़्यादा पानी डल गया है तो उसे भी सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। अब डालें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन। अगर आप अजवाइन पसंद नहीं करते तो न डालें, मिक्स करें और साइड में रख दें। हमने यहाँ 150 ग्राम पालक लिया है। पालक को साफ करके अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लें, क्योंकि पालक में मिट्टी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे अच्छे से धोएं। अगर पालक की डंडियाँ ज़्यादा बड़ी हैं या थोड़ी टाइट हैं तो उन्हें भी हटा दें और बारीक काट लें। साथ ही साथ धनिए को भी बारीक काट लें। दोनों चीजों को दाल के मिक्स में डाल लें और मिक्स करें। आपको पानी डालने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि पालक में वैसे ही बहुत पानी होता है। गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डालकर गरम करें। बैटर को इस तरह से हाथ में लेकर एक बॉल की तरह करें। पानी लगाने की जरूरत नहीं है, ये हाथ पर बिल्कुल चिपकेगा नहीं। इसी तरह से करते हुए कढ़ाई में छोड़ते जाएं। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम ही रखें। मैंने यहाँ एक बार में 5 वड़े ही डाले हैं। जब तक नीचे से अच्छे से गोल्डन कलर के नहीं हो जाते, इन्हें बिल्कुल टच नहीं करें। जब ये नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं, तब आप इन्हें कढ़ाई के बीच की तरफ कुछ इस तरह से टर्न करें, क्योंकि बीच में तेल ज़्यादा होता है और अच्छा खासा गर्म भी, तो ये टर्न करते वक्त कढ़ाई में नीचे चिपकेंगे नहीं। इसी तरह सारे वड़े फ्राई कर लें। वड़ों का साथ देने के लिए एक चटनी भी रेडी कर लेते हैं। मिक्सी का एक चटनी वाला जार लें, उसमें डालें फ्रेश हरा धनिया, 4-5 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 कटोरी भुने चने, 1 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। जब भी आप हरी चटनी बनाएं तो उसे बर्फ डालकर ही पीसें।
जिससे इसका कलर हरा ही बना रहे। जब हम चटनी पीसते हैं तो जार गर्म हो जाता है, जिससे चटनी का कलर काला पड़ जाता है। इसीलिए हरी चटनी बर्फ डालकर ही पीसें। ऊपर से डालें 2 चम्मच नींबू का रस। तैयार है हमारे पालक मूंग दाल वड़ा। बनाइए और मेहमानों का स्वागत कीजिए।